कल रात से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है पार वाली पहाड़ी पर, और ये पूरी वाइट हो चुकी है यहाँ अभी तक हो रहा है कल का। और पार पहाड़ देख लीजिए, और पहाड़ बोला भी नहीं जा रहा है, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, सो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप ठीक ठाक होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है तकरीबन 11:30 बजे दोपहर के अभी 11:30 बजे है। जस्ट ब्रेकफास्ट वगैरह करके अभी फ्री हुए, ब्रेकफास्ट वगैरह करके थोड़ा बहुत काम था वो करके, और आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। आज यहाँ पर हो रही है स्नोफॉल, कल रात से कंटिन्यू पूरी स्नोफॉल हो रही है, और ये देखिए पूरा जो ढका हुआ है वहाँ पर पूरी तरह स्नोफॉल, पूरा पहाड़ जो है स्नो से पूरा ढक गया हुआ है ये। और आप देख रहे हो पूरी तरह से पैक हो गए हैं अब पूरा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पर तो। और कंटिन्यू कल रात से स्नोफॉल हो रही है, तो चांस ये है कि कल सुबह तक यहाँ तक भी पहुँच सकती है। अभी तो यहाँ पर हल्की हल्की हो रही है, जैसे कि ये दिख रहा है हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, और पार जो पहाड़ है वो वाला जो पहाड़ है वो पूरा ही ढक चुका है पूरा स्नो से, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है अभी तो, माइनस में दिखा रहा है टेम्परेचर तो। और अभी स्नोफॉल जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, जो स्नोफॉल का क्या बोलते हैं उसको, जो भी है स्नोफॉल देखिए ज़्यादा हो रही है अभी तो, भारी स्नोफॉल हो रही है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जैसे ये देखिए, इतना सा है बस, थोड़ा सा इतना पड़ रहा है। अगर रात भर होता रहा तो यहाँ पर बर्फ़ इकट्ठी हो जाएगी पूरा, यहाँ से वहाँ तक जो भी दिख रहा है आपको मेरे पीछे, ये पूरा बर्फ से ढक जाएगा। और ये पहली स्नोफॉल है यहाँ की, फर्स्ट स्नोफॉल है काजा की, तो आप देख ही रहे हो वो जो पीछे पहाड़ दिख रहा है वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि पूरा भर चुका है वो स्नो से। जैसे ही मौसम थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा मैं आपको दिखा दूंगा, जो पूरा पीछे जो पहाड़ है वो पूरा स्नो से भर चुका है। तो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा कैसा मौसम का हाल रहता है। अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा है, और वो तो, और अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। अभी यहाँ पर एक मोबाइल यहाँ पर लगा दिया हुआ है टाइम लैप्स के लिए, और टाइम लैप्स के नज़ारे भी दिखाएंगे आपको यहाँ पर। और ये देखिए मोबाइल की हालत क्या होती हुई, ऐसा कुछ दिख रहा है मोबाइल में। और बर्फबारी थोड़ी थोड़ी और ज़्यादा होती हुई, ये देख ही लीजिए आप कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। देख रहे हो बर्फबारी थोड़ी थोड़ी रुक गई है, और पीछे जो पहाड़ पर जो धुंध जैसी पड़ी थी वो भी अब हल्की हल्की जा रही है। तो आप देख रहे हो, देखिए बर्फ हल्का हल्का सामने आ रहा है, बर्फ बिल्कुल यहाँ जैसे बिल्कुल हल्का हल्का दिख रहा है। ये पूरी पहाड़ी सुबह से यहाँ, कल रात से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है पार वाली पहाड़ी पर, और ये पूरी वाइट हो चुकी है यहाँ अभी तक। अब हल्का हल्का जैसे ही ये क्लियर होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये वाली पहाड़ी, ये आगे से यहाँ इधर से लेके यहाँ 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 और यहाँ तक पूरा हो गया है। और इस साइड है मनाली वाला रोड जो कि काजा और मनाली को कनेक्ट करता है, वो बंद हो चुका है, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो गई है कुंजुम टॉप के पास। तो वहाँ पर यहाँ से आगे 50 किलोमीटर के बाद गाड़ियाँ गुड़ियाँ नहीं जा रही है, रोड बंद हो गया है। और आप देख ही रहे हो
किस तरह का मौसम है। अभी भी हल्की हल्की बर्फबारी हो ही रही है, थोड़ी देर बाद शायद रुक जाएगी क्योंकि कल के लिए तो मौसम भी ठीक बताया जा रहा है। तो अभी जो भी है पूरा आप देख लीजिए, बस जैसे ही खाली होता है पूरा, धुंध जैसी हटती है उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, पूरा यहाँ स्नो ही स्नो है। तो अभी का सीन कुछ ऐसा ऐसा है, आप देख सकते हैं बर्फ बर्फ रुक गया है, बर्फ नहीं पड़ रहा है और मौसम भी क्लियर हो रहा है कल का। और पहाड़ देख लीजिए, और पहाड़ बोला भी नहीं जा रहा है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और ये पहाड़ देख लीजिए, पहाड़ अब खुल रहा है मौसम थोड़ा थोड़ा, तो जैसे पूरा खुलेगा तब देखिएगा आप कितना ज़्यादा बर्फ ही बर्फ हो गया है। तो अभी अपना लंच वगैरह हो गया है सब कुछ, और यहाँ पर फिर से बारिश लग पड़ी है। मैंने आपको पहले बताया था कि मौसम हल्का हल्का ठीक हो गया है, तो आप पार देखिए, ये यहाँ जैसे इसके ऊपर बिल्कुल बर्फ़ पड़ रही है और नीचे नीचे बारिश हो रही है, वहाँ वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही पड़ रही है, जहाँ जहाँ ये धुंध पड़ी हुई है वहाँ वहाँ सिर्फ बर्फ़ पड़ रही है, इस साइड भी। और इस साइड है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस विलेज, इस साइड है वो, तो सारी जगह देखिए ऐसा ही है। यहाँ से ऊपर बर्फ, वो फ्लैग दिख रहा है, फ्लैग से ऊपर बर्फ और उससे नीचे बारिश, और यहाँ भी अभी बारिश हो रही है। तो अभी जस्ट लंच वगैरह किया, तो लंच वगैरह करके फ्री हुए, तो मैंने सोचा आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कैसा कैसा क्या हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, जस्ट ऊपर छत के ऊपर आया हूँ, पानी वगैरह भरा जा रहा है, और थोड़ी देर बाद फिर मौसम तो आज शायद ख़राब ही रहेगा, हो सकता है कल तक यहाँ पर बर्फ़ पड़ जाए, तो देखते हैं क्या होता है फिर। और वैसे भी अक्टूबर क्या, आज अक्टूबर 11 तो आज हो गया है, अक्टूबर 11 और 28-29 तक तो हम घर भी निकल जाएंगे, हाँ 28-29-30 तक तो हम घर पहुँच ही जाएंगे, और उसके बाद फिर घर के ब्लॉग भी आएंगे। अभी यहाँ के जितना सा एक्सप्लोर हो सकता है, वैसे तो मेरे को यहाँ पर 7 से 8 महीने हो गए हैं, मतलब 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं और 7 महीने यहाँ हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा ब्लॉग्स वगैरह बना नहीं पाया। तो अभी 1 महीना जो भी है, 10-15 दिन में जितना भी मेरे से एक्सप्लोर होगा मैं करूँगा और आपको दिखाऊँगा, क्योंकि यहाँ ये जगह बहुत ही प्यारी है। स्पीति वैली में काजा विलेज है, वहाँ पर मैं रहता हूँ अभी, स्पीति वैली में काजा विलेज में। तो ये जगह काजा तो बहुत ही अच्छी जगह, लेकिन आसपास जैसे हिक्किम कोमिक लांगजा और की मिनिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी है, और चिच्चिम ब्रिज ऐसी हाईएस्ट ब्रिज है, और हिक्किम कोमिक लांगजा तो मैंने आपको दिखा दिया था पिछले ब्लॉग में, जब पहले ब्लॉग बनाया था उसमें से दिखाया था, लेकिन चिच्चिम साइड अभी गया नहीं हूँ, तो चिच्चिम साइड अभी जाएंगे, अभी 1-2-3-4 दिनों के बाद जाएंगे वहाँ, तो बहुत ही वो भी दिखा दूँगा, और धीरे धीरे सब कुछ ही दिखा दूँगा। 10-15 दिन अभी बहुत होते हैं, और 10-15 दिन में हम एक्सप्लोर कर ही लेंगे, तो उसके बाद फिर घर चले जाएंगे, तो घर घूर के ब्लॉग आएंगे, तो आप बस जुड़े रहिए। अभी तो बस थोड़ी देर बाद शाम का टाइम हो जाएगा, फिर चाय वगैरह पियेंगे, और फिर वही चाय वगैरह पियेंगे, रात को खाना खाएंगे और सो जाएंगे, और क्या काम होगा, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसा कैसे वेदर की है, बार बार ये देखिए बस कभी साफ़ हो जा रहा है, कभी बारिश लग रही है, पर उतना साफ़ नहीं हो रहा है, तो देखते हैं थोड़ी देर बाद कैसा रहता है फिर। तो आज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो हम कहीं जा नहीं सकते, तो अभी मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि काजा विलेज कैसा दिखता है, यहाँ से पूरा दिख रहा है, तो ये देखिए कुछ ऐसा कुछ दिखता है काजा विलेज। उस साइड जो है ये, इसको न्यू काजा बोलते हैं, जो इस नाले से उस पार है उसको न्यू काजा बोलते हैं, और ये जिस जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसको ओल्ड काजा बोलते हैं, ये वाला जो है ये ओल्ड काजा के नाम से, ये इस साइड मार्केट है और उस साइड होटल्स वगैरह और बाकी मोनेस्ट्री है, होटल्स वगैरह है, मोनेस्ट्री है, और एक वो बुद्धा का स्टैचू है जो कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। तो इस साइड पूरा मार्केट है, ओल्ड काजा में पूरा मार्केट है, उस साइड मार्केट नहीं है उतना ज़्यादा। तो अभी बारिश तो रुकने का नाम ले नहीं रही है, और ये मैंने बना ली है चाय ठंडे ठंडे मौसम में,
चाय बना ली है, अब मैं पीऊंगा चाय। और मौसम तो लगता है आज ऐसा ही रहेगा, तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली नई वीडियो के साथ। अच्छा लगा ही होगा, अच्छा लगना क्या, तो फिर सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और बढ़ने की बजाय एक दो तो कम हो रहे हैं, पता नहीं क्यों कम हो रहे हैं। तो आप कृपा करके अपनी महान कृपा कीजिए और कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब।